अगर मैं आपको कहूं कि छत पर लोबिया, कुछ लोग इसे बोरा बोलते हैं, और बोदी, बोदी भी कुछ क्षेत्रों में बोला जाता है, तो छत पर गमले में बोरा और लोबिया की खेती आप आराम से कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से छत के ऊपर बोरा यानी लोबिया यानी बोदी की खेती की गई है, और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरह से ये पैदावार हुई है। मुझे बोरा की सब्ज़ी बहुत पसंद है। ये आलू के साथ मिला के इसको अगर बनाते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा स्वाद लगता है। लेकिन मैं अक्सर बाज़ार से, आप ये कहोगे कि मुझे बोरा और ये लोबिया की खेती करने का शौक़ का जुनून क्यों चढ़ा, तो मुझे इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बाज़ार से जब भी हम लाने की कोशिश करते थे, जब भी लाते थे बाज़ार से, तो उसमें जो है सो एकदम ताज़ा और कच्चा बोरा कम ही मिलता था। उसमें अगर हम आधा किलो ख़रीद के लाएं बाज़ार से, तो उसमें जो है सो मतलब आधा उसमें पका हुआ मिलता था, जो सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब कर सकता है। और इतना मैंने, आप देखिए, अभी मैंने ये बोरा तोड़ा है, इतना अभी एक दिन में इतना बोरा निकला है, और ताज़ा और बिल्कुल कच्चा। और उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि अभी भी कितना बोरा अभी कच्चा लगा हुआ है। ये अभी दो दिन बाद मैं फिर तोड़ूंगा इसको। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बड़े आराम से एक बड़े गमले में ये बोरा की खेती, अभी आप देख सकते हैं अभी भी बहुत लगे हुए हैं पेड़ में, और इतना मैंने अभी तोड़ा है। ये देखिए इतना बोरा मैंने तोड़ा है। इसमें आप आलू मिला के 6-7 लोगों की सब्ज़ी आराम से बना सकते हैं, और बिल्कुल ताज़ा और बिल्कुल कच्चा, जो सब्ज़ी का जायका बनाएगा। आप बाज़ार से लेने जाएंगे तो उसमें आपको नहीं, कम से कम तो 30-40% तो पके हुए मिलेंगे। या तो उसको आपको छांट के फेंकना पड़ेगा, या अगर उसको सब्ज़ी में देते हैं तो सब्ज़ी का जायका ख़राब कर देता है। धन्यवाद।